नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूँ कीर्ति सिंह। झारखंड की दो बेटियों ने न सिर्फ भारत में झारखंड का नाम रोशन किया बल्कि वो पूरे विदेश में छा गई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झारखंड की बेटी सलीमा टेटे और निकी प्रधान के बारे में, जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में गई और वो हॉकी, जो महिला हॉकी टीम है उसकी तरफ से उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया, जहां पर वो फाइनल्स तक पहुंची। हालांकि वो थोड़े से के लिए मेडल के लिए चूक गई, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने वहां पर शानदार प्रदर्शन किया, इसके बाद जब वो वापस आई तो पूरा देश उनकी सराहना कर रहा है। यही वजह है कि जब से दोनों ही बेटी झारखंड की, निकी प्रधान और सलीमा टेटे, झारखंड लौटी है, लोगों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई है। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि आखिर मैं खड़ी कहाँ हूँ। मेरे ठीक पीछे मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि आप दिखाइए, ये वही जगह है, ये वही हॉकी स्टेडियम है जहाँ से झारखंड की ये दोनों बेटियाँ हॉकी खेलती थी और इसके बाद उनका चयन हुआ टोक्यो ओलंपिक के लिए। ये वो जगह है जहाँ से इन्होंने डंडा पकड़ना सीखा, हॉकी स्टिक, और उसे पकड़ना सीखा, यहाँ से खेलना सीखी। ये हटिया रेलवे का ये मैदान है जहाँ से वो हॉकी खेलना सीखी, और यहीं की सीख के वजह से आज ये लोग टोक्यो पहुँची ओलंपिक के लिए और वहाँ पर इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। तो चलिए हम जानते हैं सलीमा टेटे और निकी प्रधान से कि आखिर यहाँ से लेकर टोक्यो ओलंपिक तक का उनका सफ़र कैसा रहा और किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। अब बताइए कि आपने जिस तरह से बताया गया कि आप बचपन से प्रैक्टिस करती हैं हॉकी के लिए, तो यहाँ से लेकर टोक्यो ओलंपिक तक का आपका ये सफ़र कैसा रहा? जैसे हम एक गरीब परिवार से हैं तो मतलब काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी हॉकी स्टिक नहीं मिलती थी, कभी जूता नहीं रहता, तो मतलब काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि हम यहाँ तक आने के लिए खुद को कॉन्फिडेंस के साथ रखना पड़ता है। जब कुछ नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हमें नहीं करना। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा हमारे रेलवे ने, काफ़ी हमारी सरकार ने हमें काफ़ी कुछ दिया, तो मतलब अभी तो हमें मोटिवेट हो रहा है कि हमें और कुछ करना चाहिए हमारे इंडिया के लिए। आपने कहा कि आपको कई तरह की परेशानियां होती थी, कभी हॉकी स्टिक नहीं, कभी शूज़ नहीं, ऐसे में भी आपने हिम्मत नहीं हारी, ऐसी क्या वजह थी जो आपको ये याद दिलाती थी कि नहीं, आपको जाना है, हॉकी में खेलना है? आप बताइए लोगों, तो बताइए कि ताकि वो भी आपकी तरह आगे जा सके। बस मेरा जुनून था हॉकी में कि मुझे हॉकी खेलना है। सारे बोलते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं होता, हमें कहीं से कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है तो बहुत कुछ मिलती है। तो बस मेरा हॉकी में मेरा बहुत ज़्यादा जुनून था, इसलिए मैंने हॉकी में। झारखंड एक ग्रामीण जगह है, राज्य है, यहाँ पर लोग नीचे से ही उठकर जाते हैं, लेकिन कई लोग पहले ही हार मान जाते हैं कि मुझसे आगे नहीं हो पाएगा, मैं इतने आगे तक नहीं जाऊँगा, क्योंकि ओलंपिक में जाना सबका सपना होता है। आप यहाँ तक गई, आप लोगों को क्या कहेंगे कि वो भी आगे आए और इसके लिए पहल करें? पहले से हम सोच लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते, पर हमें खुंदक रखना चाहिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लड़कियां हैं तो क्या हो, लड़कियां बाहर जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं, खेल सकती हैं, भाग सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो बस हमें करना है। जब आप ओलंपिक में गई थी तो आपने सोचा था कि आप फाइनल्स तक जाएंगी और इतने सामने से आप जीत देख करके आएंगी? हाँ, मेरी टीम पे बहुत बिलीव थी, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी पसीना बहाया था बेंगलोर में, जैसे मैं प्रैक्टिस हो रहा था तो हमने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी, तो अपने आप को, अपने टीम को काफ़ी हमारे ऊपर बिलीव था एक दूसरे पे कि हम कर सकते हैं, क्वार्टर फाइनल तक पहुंच सकते हैं, तो हमारी टीम में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। जी, मेरा आखिरी सवाल है कि आगे की अब आपकी क्या प्लानिंग है, आगे अपना फ्यूचर आप क्या देखती हैं? बस अभी रेस्ट है तो रेस्ट करना है, फिर दोबारा कैंप लगेगा बेंगलोर, तो हमें हार्ड वर्क करना है और नेक्स्ट मैच जो भी आएगा उसमें हम फाइट करेंगे। 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है, आपको लगता है कि इस बार थोड़े से के लिए चूक गई, अगले बार आप गोल्ड मेडल ज़रूर लेकर आएंगे? यही कोशिश है हमारी कि हम इंडिया को मेडल दिलाएँ। बिल्कुल, हम लोग का टोक्यो ओलंपिक का सफ़र बिल्कुल बहुत अच्छा था। वहाँ पे जिस तरह से हम लोग को वुमेंस के, उसके वजह से आज वुमेंस हॉकी टीम को एक नया दर्जा मिला। इतने जब हम टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हार भी गए, उसके बाद भी हम जब इंडिया वापस आए तो जब हम इंडिया के लोग इतने सपोर्ट, इतने प्यार दिए, ये सब देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम ब्रॉन्ज मेडल हारे थे तो हमें एक लगा नहीं था कि हम लोग इतना प्यार देंगे, पर जब यहाँ वापस आए तो बहुत प्यार मिला, तो बहुत खुश हैं हम लोग।
आप जैसे कि आप फाइनल्स तक आप लोग पहुंचे, ऐसा कभी नहीं होता था। बहुत सालों बाद हुआ है कि हॉकी से जो महिला की टीम थी वो यहाँ तक पहुंची, तो किसको आप श्रेय देना चाहेंगे आपके सफलता का? बिल्कुल, इसके लिए एक किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि एक हमारा टीम गेम है और इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं, हमारे सपोर्टिंग स्टाफ रहते हैं और उसके पीछे भी बहुत सारे ग्राउंड मैंस वगैरह होते हैं, हमारे डाइट्स के खाने पीने का जो न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं, तो हर कोई इसके लिए काम करते हैं, तो मैं हर को उनका श्रेय देती हूँ जो भी हमारी टीम के साथ जुड़े हुए रहते हैं। 2024 में जो ओलंपिक्स होने वाले, क्या आपको उम्मीद लगता है कि इस बार जो अगला होने वाला है इसमें आप लोग गोल्ड मेडल लेकर आएंगे? बिल्कुल, जिस तरह से हम लोग अभी बहुत क्लोज जाके आए हैं, तो हम अगर जो भी हम वहाँ पे गलती की, हम वीडियो आएगा, हम दोबारा देखेंगे वीडियो, फिर हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या गलतियाँ की है, तो फिर उसके ऊपर काम करेंगे, तो डेफिनेटली हम आने वाले टाइम पे इंडिया के लिए गोल्ड ले सकते हैं। थैंक यू। सर, झारखंड की जो है दो बेटियां अभी टोक्यो ओलंपिक से फाइनल तक जाकर वहां पर आई हैं, और ऐसा बहुत सालों बाद हुआ है कि जो हॉकी में वुमेन्स टीम इतने आगे तक बढ़ी है, तो इसके लिए आप झारखंड की बेटियों के लिए क्या कहेंगे? जैसे आपने बताया कि बहुत सालों बाद हुआ है, लेकिन अब मैं उम्मीद दिलाता हूँ अब ये प्रतीक्षा खत्म हो गई है। इन बेटियों ने जो काम किया है वो दूसरे जो बाकी खिलाड़ी हैं उनके लिए इतना प्रोत्साहन का काम करेगा कि अब ये यहाँ पे इट विल बिकम फैक्ट्री ऑफ हॉकी प्लेयर्स। तो उसके लिए रेलवे ऑलरेडी अपना सपोर्ट पूरा दे रही है, और आगे भी जो भी चाहिएगा उसके लिए पूरा देगा, जिससे अभी हम लोगों का प्रतीक्षा जो ब्रेक हो जाता है कि एक कुछ निकला उसके बाद फिर भी कंटिन्यूस प्रोसेस। आगे किस तरह से रेलवे जो है झारखंड की बेटियों या फिर अन्य खिलाड़ियों के लिए किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है किसी तरह? जैसे मैंने बताया, रेलवे 170 साल पुरानी संगठन है, हमारे यहाँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए वेल सेट सिस्टम एंड प्रोसीजर्स है विच आर टाइम टेस्टेड। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो इतने खिलाड़ी रेलवे से नहीं जुड़े। अब देखें, हमारी हॉकी प्लेयर की टीम में ही बता रहे हैं 13 खिलाड़ी रेलवे के ही जुड़े हुए, तो उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिए। उनके प्रोत्साहन के लिए रेलवे कोई कसर नहीं छोड़ेगी, और इस बार मैं आशा करता हूँ कि उसका रिजल्ट आपके ओलंपिक में आपको दिखेगा।